हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माय फ्रेंड्स, हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन गुरु। मैं हूं विकास शर्मा। हम आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि वो कौन कौन से बोर्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में वैलिड रहते हैं, वो कौन से बोर्ड्स हैं जो सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं, स्टेट लेवल पर काम करते हैं, प्राइवेट बोर्ड होते हैं, ऑटोनोमस बोर्ड होते हैं, कौन कौन से बोर्ड्स में क्या अंतर है, और कौन कौन से बोर्ड्स गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होते हैं और कौन से बोर्ड्स गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड नहीं होते हैं। आपके इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। अंत तक बने रहिए आप हमारे साथ में। माय फ्रेंड्स, सबसे पहले जो होते हैं वो सेंट्रल बोर्ड होते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं एक तरीके से। जैसे कि एक सबसे बड़ा नाम मैं आपको बता देता हूं, CBSE। सीबीएसई बोर्ड का नाम आपने सभी बच्चों ने सुना है। हमारे वीडियो को पूरे देश में सभी हर स्टेट में देखा जाता है। तो सीबीएसई बोर्ड हर स्टेट में काम करता है, यूपी में भी काम करता है, बिहार में भी काम कर रहा है, दिल्ली में भी काम कर रहा है, हरियाणा में भी काम कर रहा है, पूरे इंडिया में इसके स्कूल्स हैं। तो ये एक सेंट्रल बोर्ड माना जाएगा जो कि पूरे सेंट्रल लेवल पे काम करता है। बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो 100% वैलिड है ये बोर्ड हर तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड्स होते हैं वो वैलिड होते हैं हर तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब बात करते हैं इसके बारे में, जो कि सेकंड टाइप के बोर्ड होते हैं, दूसरी तरीके के बोर्ड होते हैं, वो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड्स। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड्स, जो स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड होते हैं, इसमें सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ये सिर्फ अपने स्टेट में काम करते हैं, इससे बाहर नहीं करते। जैसे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, हरियाणा का एक भिवानी बोर्ड है, जो कि आपने देखा होगा सिर्फ हरियाणा के अंदर ही इसके स्कूल है, हरियाणा से बाहर इसके स्कूल नहीं है। लेकिन सीबीएसई के स्कूल ऑल ओवर इंडिया में है। इसी तरीके से आप यूपी बोर्ड को ले लो, इसी तरीके से आप बिहार बोर्ड को ले लो, गोवा बोर्ड को ले लो, जो भी स्टेट बोर्ड होते हैं अपने स्टेट से बाहर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वैलिड होते हैं हर तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, पूरी तरीके से वैलिड होते हैं। चाहे आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड से कर लो, चाहे या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से कर लो, ये फुल्ली वैलिड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस भी स्टेट में आप रहते हो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब तीसरे नंबर पर होते हैं ओपन बोर्ड्स, ठीक है, ओपन बोर्ड्स। एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे, NIOS। NIOS एक ओपन बोर्ड है, वैलिड है। वैसे तो हर गवर्नमेंट जॉब में 99.999%, लेकिन हमने 99 क्यों बोला, हमने 100% क्यों नहीं बोला, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, ये फुल्ली ऑथराइज्ड बोर्ड है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं नहीं चलेगा, जहां पर ये नहीं चलेगा वो कहां नहीं चलेगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। कुछ समय पहले कुछ वैकेंसीज आई थी, अब डिपार्टमेंट का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ वैकेंसीज ऐसी थी जिसमें मांगा हुआ था कि 12th फ्रॉम एनी रेकोगनाइज्ड रेगुलर बोर्ड, ठीक है। अगर किसी वैकेंसी में ये आ गया है कि उनको रेगुलर बोर्ड से ही पास आउट बच्चा चाहिए, तो इन दैट केस सिर्फ NIOS वैलिड नहीं है, नहीं तो ये 100% वैलिड बोर्ड है, 100% वैलिड बोर्ड है, ओपन बोर्ड है। बस ये इसमें डिफरेंस है, बाकी वैलिड 100% है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से एक स्टेट गवर्नमेंट ओपन बोर्ड भी होते हैं, स्टेट ओपन भी होते हैं। अब ये तो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर काम कर सकता है। कुछ स्टेट ओपन बोर्ड होते हैं BBOSE, जैसे बिहार का भी ओपन बोर्ड है, वो भी वैलिड है हर जगह पे, लेकिन उसमें अभी कुछ स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं, उस पर कुछ केस वगैरह अभी सुनने में आया, बट क्या है क्या नहीं। कोशिश करो आप पहले NIOS से करने की, नहीं तो हर स्टेट के अपने अपने जो है गवर्नमेंट बोर्ड होते हैं, स्टेट ओपन बोर्ड होते हैं, उनसे भी कर सकते हो, लेकिन NIOS इज द बेस्ट फॉर ओपन बोर्ड्स, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आने वाले और बोर्ड्स की, जो कि मेन है आपके लिए सुनना, ठीक है। कुछ होते हैं प्राइवेट बोर्ड्स, प्राइवेट बोर्ड्स
अब क्या ये वैलिड है गवर्नमेंट जॉब के लिए, डिपेंड करता है। एक बोर्ड है सिक्किम का जो हमने सुना है कि वैलिड है, एआईयू का अप्रूवल है, एआईयू का अप्रूवल भी हमने देखा उसका, उसमें कुछ बच्चों के हमने एडमिशन्स भी करवाए। लेकिन आज ही डेट में जो बच्चे पासपोर्ट ऑफिस में जब जाते हैं अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो पासपोर्ट ऑफिस वाले उनका पासपोर्ट नहीं बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो रहा है। बच्चे की कई स्टेट बोर्ड्स के अंदर या सीबीएसई में अपना एडमिशन लेने के लिए गए तो कई स्टेट बोर्ड्स ने उनको एडमिशन लेने से मना कर दिया। हालांकि बीओएसई, ये सिक्किम का प्राइवेट बोर्ड है, इसके पास में एआईयू का अप्रूवल है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज ने इसको अप्रूवल दिया हुआ है, ये पीसीआई का अप्रूवल लेके आया हुआ है, ये इसके गजट में भी पास है, मतलब इसके पास मैक्सिमम अप्रूवल्स थे 2020 के अंदर जो इसका हमने अप्रूवल चेक करा। लेकिन आज की डेट में अब हर कोई इसको नहीं लेता है, तो ये भी कुछ डाइसी टाइप के ही बोर्ड है। कोशिश करें कि एडमिशन नहीं लेना है इनके अंदर, लो कंप्लीटली ओपन गवर्नमेंट बोर्ड से एडमिशन लो। अब बात करते हैं कि जो बोर्ड बिल्कुल भी नहीं चलते हैं और जिनमें आपको एडमिशन भूल कर भी नहीं लेना है, वो कौन से बोर्ड है, ठीक है, उसके बारे में हम प्रॉपरली अब बात करने वाले हैं आपके सामने। कुछ बोर्ड होते हैं माय फ्रेंड्स ऑटोनोमस बोर्ड, जो कि सोसाइटी एक्ट के अंदर खोले जाते हैं, सोसाइटी एक्ट के अंदर खोले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है सोसाइटी एक्ट, एक सोसाइटी बना दी जाती है, उसके बाद में अब देखिए भारत एक शुरू से गरीब देश रहा है, तो सोसाइटीज भारत में ओपन होती हैं, एनजीओ ओपन होते हैं, ये क्या करते हैं गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, तो गवर्नमेंट इनको प्रोत्साहन देती है कि आप पढ़ाइए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चों को पढ़ाइए, बट वो पढ़ाते तो है लेकिन वो कहां पर वैलिड होगा कहां पर वैलिड नहीं होगा, जिनको अप्रूवल्स नहीं मिल पाता है कंप्लीटली गवर्नमेंट का वो वैलिड नहीं होते हैं। तो कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही एकदम सोसाइटी वगैरह ओपन की, उसके बाद में बच्चों को मार्कशीट देना स्टार्ट कर दी, वो बोर्ड वैलिड नहीं होते हैं। सोसाइटी बोर्ड्स जो हैं, अगर स्टेट से अप्रूवल नहीं लेते हैं, गजट में पास अगर नहीं होते हैं, तो ये वैलिड नहीं होते हैं किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इस तरह की चीजें उठ के आती रही हैं। आपने एक नाम भी सुना होगा झारखंड स्टेट ओपन बोर्ड, काफी नाम रहा है। इस तरह के कई सारे जो है बोर्ड्स हैं जो कि अपने आप को ओपन बोर्ड बताते हैं, वो बोर्ड वैलिड नहीं होते हैं। तो कोशिश करना है कि आपको इन बोर्ड्स में एडमिशन नहीं लेना टिल द टाइम आपकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी कोई मजबूरी नहीं ना रही हो, ठीक है, इन बोर्ड्स में आपको एडमिशन नहीं लेना, पूरी कोशिश ये करनी है। अगर आप अपनी रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाए तो एनआईओएस में आप एडमिशन ओपन में ले सकते हो। कोशिश करो जहां पर भी आप एडमिशन ले रहे हो एक वैलिड बोर्ड हो और गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।